रिंकी और मिंटू की समझदारी। बच्चों, आज हम आपको एक कहानी बताएंगे जो रिंकी और मिंटू की समझदारी के बारे में है। रिंकी और मिंटू डाइनिंग टेबल पर अपना खाना खत्म कर लेते हैं। उसके बाद उनकी माँ ने बोला, बच्चों तुमने अपना खाना खत्म कर लिया, अब जाओ बेटा जल्दी से पार्क में जाकर खेलो और समय से आ जाना क्योंकि तुम्हें अपना होमवर्क भी पूरा करना है। ठीक है माँ, हम लोग खेलने जा रहे हैं। नहीं माँ, मैं कहीं खेलने नहीं जाऊंगा। मेरे सारे दोस्तों के पास नई साइकिल है। मैंने पापा से साइकिल लाने के लिए बोला था लेकिन वो अभी तक साइकिल नहीं लाए। कोई बात नहीं बेटा, जब पापा के पास पैसे होंगे तो वो तुम्हारे लिए भी साइकिल ले आएंगे। ठीक है माँ। इस तरह दोनों बच्चे पार्क में खेलने चले गए। मंटू, हम लोग गेंद से खेलेंगे, गेंद से खेलने में बहुत मजा आता है। हाँ रिंकी, हम लोग आज फुटबॉल से खेलेंगे और मैं तुम्हें हरा दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। दोनों बच्चे पार्क में खेल रहे थे तभी वहाँ पे एक चोर आ गया। वो कुछ खोद रहा था। रिंकी देखो, वो आदमी हाथ में कटार लेके आया है। वह कुछ खोद रहा है जमीन में। मुझे लग रहा है उसने कुछ कीमती चीज यहाँ बाग में छुपा रखा है। हाँ मंटू, आज सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि महारानी का हार हड़प्पा म्यूजियम से चोरी हुआ है। कहीं ये वही चोर तो नहीं जिसने ये महारानी का हार यहाँ छुपा रखा है। रिंकी, हमें इसे पकड़ने के लिए जल्दी कुछ करना चाहिए। हमें पापा को बताना चाहिए। रिंकी और मंटू दोनों पापा को आकर बताते हैं। पापा ने चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठा कर लिया। पकड़ो पकड़ो, ये चोर है, कोई चोर है। हाँ पकड़ो पकड़ो, इसे मारो, ये बहुत बड़ा चोर है। इस तरह वह चोर पकड़ा जाता है और उसको पुलिस को हवाले कर दिया जाता है। बच्चों, रिंकी और मंटू की साहस और समझदारी ने एक बड़े चोर को पकड़ लिया।